बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ठंडी भी खूब जोरों से पड़ रही है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सभी का फेवरेट पोटैटो स्माइली। बिल्कुल बाजार जैसा मकेन्स का जो आप फ्रोजन पोटैटो स्माइली खरीदते हैं, बिल्कुल वैसा ही बहुत बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम सामान से आप घर में ही बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे आपके पोटैटो स्माइली बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बाजार की तरह क्रिस्पी और एकदम गोल गोल परफेक्ट शेप के। साथ ही इनको आप लंबे समय के लिए कैसे स्टोर करें, यानी इन्हें फ्रोजन पोटैटो स्माइली आप कैसे बनाएं, मैं वो भी बताऊंगी जिससे आप कभी भी अपने स्माइली निकालिए और तुरंत से बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लेंगे आलू। अब आलू यहाँ पर वैसे तो आप किसी भी आलू से बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आए, उसकी लुकिंग, उसका कलर आए, उसके लिए हम लेंगे कुछ इस प्रकार के आलू। ये देख रहे हैं ना, हल्की स्किन होती है, मिट्टी सी लगी रहती है, आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा छिलका है, पानी से धोएंगे तो एकदम साफ सा हो जाएगा। तो इसको इंदौरी आलू भी बोलते हैं, नया आलू भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है। तो चिप्स के लिए या पोटैटो स्माइली या फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, इन सब चीजों के लिए ये वाले नए आलू बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा यानी पानी की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से जब भी आप कोई स्नैक्स बनाते हैं वो काफी करारा और क्रिस्पी बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 5 आलू और उनको बढ़िया से कुकर में उबाल लेंगे, और उबालने के बाद मैंने इस प्रकार से पूरा छिलका हटा दिया। आलू यहाँ पे याद रखिए आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लेने हैं, आलू ठंडा लेंगे तो उससे आपके जो स्माइली है वो क्रिस्पी भी बनेंगे, ऑयल भी कम अब्सॉर्ब करेंगे और उनकी शेप भी सस्टेन रहेगी। आप लीजिए 1 ग्रेटर यानी कद्दूकस, और कद्दूकस का जो मीडियम वाला होता है ना, उससे पूरे आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। आप मैशर से मैश भी कर सकते हैं, पर इस तरह ग्रेट करने से जो उसके सारे रेशे होते हैं बढ़िया से ब्लेंड हो जाते हैं, यानी फिर उसमें कोई भी गुठली नहीं रहती, एकदम स्मूथ आपके स्माइली बनते हैं। और ये देखिए मैंने सभी आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है कुछ इस प्रकार से। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज है जो आपको जरूर डालनी है स्माइली बनाते वक्त, वो है ब्रेड। तो यहाँ मैंने ली है सिंपल 2 ब्रेड आपको बस लेनी है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 ब्रेड आप लें। अब हम लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सिंपली बस आप ब्रेड लीजिए और ब्रेड को इस तरह से डाल करके इसका एक पाउडर जैसा बना लीजिए, बस सूखा ही पीसना है हमें। और ये देखिए मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम तैयार कर लिया है। इससे क्या होता है, जो भी आलू में मॉइस्चर होता है वो ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेती है, उसको क्रिस्पी बनाती है, साथ ही साथ आपके पोटैटो स्माइली फिर ऑयल में फटते नहीं है। तो अब हमारे ग्रेटेड पोटैटो में हम डाल देंगे ब्रेड क्रम, और मैं अगर चम्मच से बोलूं कि ब्रेड क्रम कितना है तो लगभग ये वाली 5 चम्मच के करीब ब्रेड क्रम है। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज जो आपको पोटैटो स्माइली में जरूर डालनी है वो है कॉर्न स्टार्च। तो मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, बहुत ही इजीली किसी भी सुपर स्टोर पर या ग्रोसरी स्टोर पर ये आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये टोटल मैंने 4 बड़े चम्मच डाला है। अब आप सोच रहे होंगे अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो क्या करें, तो आपके पास अल्टरनेटिव में है अरारोट पाउडर, आप अरारोट यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर चावल का आटा भी डाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा टेक्सचर में। तो देखिए सबसे अच्छा डिजर्ट बिल्कुल बाजार जैसे स्माइली बनाने के लिए तो कॉर्न स्टार्च से ही आता है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे हल्का सा कलर भी आ जाएगा, जैसे मार्केट में होता है ना हल्का टिंटेड सा कलर, और साथ के साथ आपको बढ़िया लगेगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब कुछ बूंद आप हाथ पर ऑयल की डालें और हाथ को चिकना करके अच्छे से सभी चीजों को आप मिक्स कर लें और इसका एकदम स्मूथ डो बना लें। अगर आपको थोड़ा भी आलू में ये फील हो कि हल्का पानी जैसा है या गीला है, तो आप यहाँ ब्रेड क्रम, जो भी हमने ब्रेड का पाउडर बनाया था ना, थोड़ा सा और बढ़ा लें, और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी आप और डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च का काम होता है किसी भी स्नैक की अच्छी बाइंडिंग देना, उसको कुरकुरा क्रिस्पी बनाना। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से पूरे आलू के मिक्स को तैयार कर लिया है, मैं आपको ये उठाकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसा एकदम स्मूथ डो हमें इस तरह से तैयार करना होगा आलू का। और इस प्रकार से आलू का मिक्स तैयार करने के बाद अभी हम तुरंत बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जरूरी टिप, आप इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। इससे क्या होगा कि जो आलू है वो बढ़िया से सेट हो जाएगा, फिर जब आप स्माइली की उसको शेप देंगे तो वो शेप को सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं होगा कि उठाते उठाते ही शेप खराब हो गई। तो इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो भी कम हो जाएगा और फ्रिज में सेट होने से ये ऑयल भी कम अब्सॉर्ब करेगा। तो 1/2 घंटे के लिए मैं आलू को ढक करके इसी तरह फ्रिज में रख देती हूँ। 30 मिनट्स हो गए हैं और मैंने आलू मिक्स को फ्रिज से निकाल लिया है, और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया ये सेट हो गया है।
अब आप लीजिए कोई भी चॉपिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की शीट या फिर अगर आपके पास बटर पेपर है इस तरह का बटर पेपर तो वो भी ले सकते हैं। किसी पर भी आप बहुत ही आसानी से स्माइली बना सकते हैं और इस तरह से प्लास्टिक शीट बिछा करके आप थोड़ा सा उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। इससे आपको पीसेस उठाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम लेंगे हमारा आलू वाला मिक्स और इसमें से आधा पार्ट लेंगे, दो बार में बनाएंगे और हाथ से इसको हम पहले फैलाएंगे बैलेंस करते हुए सब तरफ से। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पूरा बेल लिया है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल इतना मोटा रखना है, पतला बिल्कुल मत कीजिएगा वरना वो ग्रेस नहीं आएगा जैसे बाजार के होते हैं। थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो खाने में टेस्टी भी लगेंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा लुक भी आएगा। अब आप कोई भी कुकी कटर, ढक्कन या इस तरीके का कोई भी लिड वगैरह आपके पास हो आप वो भी ले सकते हैं। हमें इसे सिर्फ गोल काटना है उतने ही साइज का जितना कि बाजार का स्माइली होता है। तो बस सिंपली क्या करना है, आप लीजिए थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और इस तरह से हम इस कटर को इसमें डिप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आलू चिपकेगा नहीं, इजीली हमारी स्माइली की शेप्स बन जाएंगी और इस तरह हम गोल गोल कट कर लेंगे, है ना आसान। तो सभी पीसेस को हम बिल्कुल इसी तरह कट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्माइली बता रही हूँ, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल, कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी चीजें बता देते हैं, सच मानिए आप अगर पैकेट पे भी पढ़ेंगे ना स्माइली के, कुछ भी ऐसी चीजें पड़ी नहीं होती है। तो इसके साइड्स हैं वो इस प्रकार से आप हटा लीजिए, वापस से हम फिर से यूज कर लेंगे, है ना आसान तरीका। अब हमें बनानी होगी इसकी आईज और हैप्पी वाला फेस यानी हंसी। तो उसके लिए आप लीजिए कोई भी स्ट्रॉ या कोई भी वुडन स्टिक भी ले सकते हैं। स्ट्रॉ को भी हल्का सा कॉर्न स्टार्च में आप डिप कर लें और इस तरह से गोल घुमाते हुए बढ़िया से आईज बनाए, वरना क्या होगा अगर आपने ऊपर से हल्का हल्का कर दिया तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो वापस बंद हो जाएंगी। ये सब टिप्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि बनने के बाद आईज या स्माइली खराब ना हो। देखिए हमारी सारी आईज बन गई हैं, अब बनाते हैं इसकी प्यारी सी हंसी। तो उसके लिए आप लीजिए चम्मच, स्टील की भी ले सकते हैं, प्लास्टिक वाली से थोड़ा आसान होता है क्योंकि आलू चिपकता नहीं है। हल्का सा मैंने ऑयल में डिप कर लिया है, अब इस तरह से बिल्कुल प्रेस करते हुए थोड़ा सा हंसी वाला इसको लुक दे देंगे और चम्मच को हल्का सा बैक साइड पुश करिएगा जिससे कि उसकी जो हंसी है सिकने के बाद दिखाई दे। ये देखिए परफेक्ट, इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सभी पोटैटो स्माइलीज को तैयार कर लिया है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे पोटैटो स्माइली जैसे आप फ्रोजन खरीदते हैं। बनने के बाद भी ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। अब यहाँ आपकी क्रिएटिविटी है, आप चाहे तो सेट फेस बनाएं, आप चाहे तो वन आई स्माइली बनाएं, जैसे चाहे बच्चों को खुश करने के लिए आप बना सकते हैं। और ये वाला देखिए थोड़ा ज्यादा खुश है ना। अगर आपको अभी फ्राई करने हैं तो आप इनको अभी फ्राई कर सकते हैं, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। आप इस तरह से बना करके मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखने वाली हूँ, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में। उससे क्या होगा जो हमारे स्माइली की शेप है वो बिल्कुल बढ़िया से होल्ड हो जाएगी यानी खराब नहीं होगी। तो मैं भी फिलहाल इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह फ्रीजर में रख देती हूँ, सेट होने के बाद हम इनको स्टोर करेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं और ये मैंने फ्रीजर से निकाल लिए हमारे स्माइली और सभी स्माइली आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गए हैं। देखिए देख रहे हैं ना आप, हो गए ना बिल्कुल बढ़िया से सेट बिल्कुल इस तरह से। तो अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप लीजिए इस तरीके का कोई भी जिपलॉक पैकेट, लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे ना। बस तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीका है। अब मैं आपको फ्राई भी करके दिखा दूंगी कि किस तरह से ये बढ़िया से आप फ्राई कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारे फ्रोजन पोटैटो स्माइली तैयार हैं। तो आप इस पैकेट को फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, पूरे 25 दिन से 1 महीना भी ये खराब नहीं होते। निकालिए और 3 मिनट में फ्राई कीजिए बिल्कुल बाजार की तरह, है ना बढ़िया चीज। तो चलिए करते हैं अपने पोटैटो स्माइली को फ्राई। तो उसके लिए आप रखिए गैस पर एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है। अब यहाँ फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करते हैं, बहुत हाई हीट पर हम इसको नहीं फ्राई करेंगे और धीरे धीरे हम अपने इस पोटैटो स्माइलीज को ऑयल में डालते जाएंगे। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बबल्स उठ रहे हैं, बस ऐसा गर्म हमें तेल चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडे में भी ना डालें वरना ऑयल पी लेंगे आपके स्माइली, तो ये आपको ध्यान देना है। और जैसे आप फ्रोजन अगर निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑयल का थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि ठंडे पोटैटो स्माइली आप ऑयल में डालेंगे तो जो तेल का टेम्परेचर है वो नीचे गिरेगा, तो इसलिए हम थोड़ा गर्म तेल लेंगे तब। और इस तरह से पोटैटो स्माइली को थोड़ी देर इसी तरह फ्राई होने देंगे, अभी हम टच नहीं करेंगे। जब ये हल्के हल्के ऊपर आ जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि
स्माइली हल्के हल्के ऊपर आ गए, मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ। लग रहा है ना एकदम बढ़िया, अभी तो सिका नहीं है, जब पूरा सिक जाएगा तो एकदम बाजार वाला लगेगा। तो मैं इनको धीरे धीरे पलट देती हूँ, ऐसे ही होते हैं ना मार्केट के मकेन्स वाले हल्के हल्के गोल्डन सिके हुए, वैसे ही बनाएंगे। और ये देखिए मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे पोटैटो स्माइली गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आप हल्के फ्राई करना चाहते हैं गोल्डन तो हल्का कर लीजिए, ज्यादा गोल्डन करना है थोड़ा सा और कर लीजिए। और ये देखिए मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, मुझे लगता है शायद बाजार के से भी बहुत ज्यादा बढ़िया बने हैं, आपको भी लग रहा होगा ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। और देखिए हमारा ये वाला स्माइली ना ज्यादा हंस रहा है, देखिए है ना बढ़िया लग रहा है, ये मैं बेटे को दूंगी। तो मैं एक प्लेट पर इसको निकाल लेती हूँ, सुपर्ब, ये देखिए। और इसी तरीके से हम सारे ही स्माइली को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे मार्केट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची पोटैटो स्माइली। कोई बोल सकता है इस प्लेट को देखकर कि ये मैंने फ्रोजन वाले मार्केट वाले नहीं बनाए, हर तरफ से क्रिस्पी क्रंची हमारे होममेड पोटैटो स्माइली। अब आपको मार्केट से खरीदने ही पड़ेंगे। आप देख सकते हैं स्माइली की शेप एकदम क्रंच, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त वाले हमारे बने हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना, अच्छी तरीके से आप आंख और इसका माउथ बनाइएगा, जिससे कि वो बढ़िया सिकने के बाद भी बने। तो देखिए हमारे सभी फेसेस के आईज और इसकी स्माइल परफेक्ट बनी है। इस तरह से बनाइए, चाहे फ्रोजन स्टोर कर लीजिए, चाहे तुरंत फ्राई कर लीजिए। अब न्यू ईयर पार्टी हो या बच्चों की पार्टी हो, फटाफट से आप ये क्रिस्पी क्रंची पोटैटो स्माइली घर में ही बना सकते हैं। और इनके ऊपर जरा सा चाट मसाला डाल करके सर्व कीजिए, मजा आ जाएगा। या फिर टोमेटो केचप या किसी भी डिप के साथ आप इसे एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि ये पोटैटो स्माइली की झटपट सिंपल और सरल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिए, साथ ही पास ही बनी बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और हेलो पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स, मेजरमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।